गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 17 घायल। पीएम मोदी ने जताया शोक। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, जनता का टूट रहा मनोबल। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर सांसद प्रिया कुमारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग। ऐतिहासिक धरोहर समेटे गुलाबी नगरी का आज 293वां स्थापना दिवस, सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को बरकरार रखने के लिए प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन को चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी सहयोग की भी याद दिलाई। बाइडेन ने उन्हें अपनी तरफ से पूरा सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। गुजरात के वडोदरा में वाघोड़िया क्रॉसिंग हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 3 बजे की है। वडोदरा के पुलिस आयुक्त आरबी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि हादसा वाघोड़िया सर्कल पर हुआ, जब मिनी ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि जिन 11 लोगों की मौत हुई वे सभी सूरत शहर के वराचा इलाके के थे और पंचमहल जिले के पावागढ़ जा रहे थे। वडोदरा की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। घटना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर दुख जताया है। सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी है। बैंक का कोई खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की निकासी कर सकेगा। बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने कहा कि जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। वायनाड सांसद ने ट्वीट कर कहा कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है, विकास या विनाश। मध्य प्रदेश में मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट की स्थापना की जाएगी। इसकी पहली बैठक इस सप्ताह के अंत में होगी। गो कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि गो कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर गो अभ्यारण आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,617 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 474 रही है। वहीं देश में अब तक कुल 89,12,908 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 83,35,110 हो गई है। वहीं देश में लगातार सक्रिय मामले 5 लाख से नीचे बने हुए हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,30,993 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। नोएडा प्रशासन द्वारा DND फ्लाईओवर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा जा रहे लोगों की रैंडम रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। नोएडा CM को दीपक ओहरी ने बताया, अभी से लेकर शाम तक नोएडा में बाहर से संक्रमण तो नहीं आ रहा, ये चेक करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। DM के निर्देश पर नोएडा दिल्ली सीमा पर रैंडम जांच हो रही है। DM ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई हो। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व का आज नहाए खाए का दिन है। कोरोना काल में यह पूजा इस बार कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के बीच हो रही है। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का ये एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है।
इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हालांकि कोरोना ने कई राज्यों में लोगों के छठ घाट जाने पर पाबंदी लगा दी है। प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर सांसद दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सांसद दिया कुमारी ने सरकार से बेमौसम हुई बरसात से हताहत किसानों को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस आपदा काल में तुरंत गिरदावरी करवाने और संबंधित किसानों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई तेज करने की मांग की है। पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर का आज 293वां स्थापना दिवस है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। जयपुर की नींव कछवाहा शासक सवाई विजय सिंह के द्वारा रखी गई थी। 1727 में जन्मे इस शहर के रूप में तब से आज तक बहुत परिवर्तन हो चुका है। भले ही इसकी गलियां सकरी हो, गुलाबी रंग कम हो गया हो, लेकिन इस शहर की आबोहवा का कोई जवाब नहीं। जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, इसके महल, किले, चार दीवारी आज भी बरकरार है। इसके गुलाबी नगर कहलाने की कहानी भी निराली है। सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ बेल्स अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से यह शहर गुलाबी नगर हो गया। 1727 में जयपुर नगर का निर्माण शुरू हो गया था। इसके प्रमुख खंडों को बनाने में करीब 4 साल का समय लगा। जयपुर को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। 2 खंडों में राजकीय इमारतें और राजमहल बसाए गए हैं। इसके अलावा 7 चौकड़ियां थी। आज जयपुर का 293वां स्थापना दिवस है और ढूंढार परिषद की ओर से हर साल आयोजन किया जाता है। जयपुर स्थापना का आज 293 साल होगा। तो आप लोग जो जयपुर है वो विश्व में 20 समय सबसे अनूठो शहर थे, क्योंकि वो जो काल थे ना 1727 को भी टाइम पर पूरा विश्व का तो माना एकदम राजनीतिक उतर बदल ची, आर्थिक उतर बदल ची, पर दी दौरान बाका जयपुर का खैर को बाका जयपुर के सोच बड़ा जय सिंह जी तो सुंदर शहर बसायो है ना, जो पूरे दुनिया में मानो कि एकदम विरलो थे वो शहर, चाहे स्थापत्य हो, चाहे खान पान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे संगीत हो, ध्रुपद गायकी हो, आप जयपुर शैली की पेंटिंग हो या सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स 111.01 अंक नीचे 43,841.70 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 30.70 अंकों की गिरावट के साथ 12,843.50 पर हुई। वहीं दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, ICICI बैंक, इंफोसिस और HDFC लाइफ की शुरुआत तेजी पर हुई। वहीं टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और हिंडाल्को के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।